लगभग कितनी करनी पड़ती है मेहनत? छोटा बच्चा दौड़ रहा है, ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, झातन झातन और बिजली अलग देखो, ओले गिरने स्टार्ट हो गए। ये हेलो, ओले खाने में मस्त है। अरे भीगो गए भैया, ओले बहुत बड़े बड़े गिर जाते हैं। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले फंसे थे बारिश में, तो बारिश से जैसे नीचे आए तो नीचे का मौसम था क्लीन। अब वहाँ से ऊपर का नज़ारा हम देखते हैं, तो देख रहे हैं आप देख सकते हैं सामने बादल फटने की घटना घटित हो रही है, यानी कि बादल कैसे फटता है पहाड़ों में वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो जहाँ पर मतलब कोई मैदानी वाला हिस्सा तीन ओर से पहाड़ी से गिरा जाता है और बीच में आके बादल फट जाते हैं, तो ऐसे हिस्सों में मोस्टली मतलब क्लाउड ब्रस्ट होता है। देखिए इधर का मौसम नज़ारा काफ़ी अच्छा है, नीचे खेतों में आग वगैरह जली हुई है, लेकिन उस साइड जो है जिस साइड हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए और वहाँ पर हो रही थी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी, नीचे हम लोग आए तो यहाँ मौसम क्लीन था। अब उधर का हम नज़ारा देख रहे हैं जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मोबाइल से, तो वहाँ पर देखिए आप बादल कैसे पड़ता है, क्योंकि जब ये इतनी तेज़ पानी गिरता है ना एक ही जगह पर बहुत सारा पानी गिरता है, तो उस घटना को बोला जाता है क्लाउड ब्रस्ट एट मतलब हिल्स एरिया जो बोलते हैं, और वो धीरे धीरे बारिश का पानी देखिए हमारे यहाँ पर भी धीरे धीरे आने लग गया है। तो ये जो घटना घटित हो रही है ये हो रही है पूरी बादल घटने की, आप देखिए इसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए साथ साथ में। तो देखिए क्लाउड ब्रस्ट होने के कुछ देर बाद का नज़ारा, सारे नीचे खेतों की आग बुझ चुकी है। ये देखिए उस साइड जहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट होता है ये वाला एरिया है। ये मैंने कुछ आपको ऐसे दिखाने के लिए ज़्यादा देर तक मतलब इसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ था 15 या 20 मिनट का, तो इसमें इतना ज़्यादा कोई मैंने आपके सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के लिए ये वीडियो बनाया है।